Morning dear students, welcome back to online classes. This video is for class 3rd. Subject is English reader and till now we have completed chapter 4 and poem 2. Today we will start chapter 5. So get ready quick, take out your book and open chapter 5. See beta, it is chapter 5, the paddler's dream. Before starting the chapter or before translating the chapter, I just want to show you word meaning of this chapter. So you will do these word meaning in your notebook. See beta, these are the word meaning of chapter 5. जो पैडलर्स ड्रीम हम लोग रीड करेंगे उसके वर्ड मीनिंग है ये वर्ड मीनिंग आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लोगे ओके बेटा ये फर्स्ट पेज है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके आप लोग कर सकते हो एंड दिस वन इज सेकंड पेज फर्स्ट पेज मैंने अभी आपको दिखाया और ये सेकंड पेज है तो ये वर्ड मीनिंग आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना ओके बेटा नाउ चैप्टर ट्रांसलेट करते हैं द पैडलर्स ड्रीम बेटा पैडलर होता है फेरी वाला जो इधर उधर ऐसे कोई सामान बेचता है ना डोर टू डोर वो होता है पैडलर सो पैडलर्स ड्रीम यानी जो पैडलर था उसका सपना फेरी वाले का सपना वार्म अप टू टॉक योर पार्टनर अबाउट अ ड्रीम यू हैड अपने पार्टनर से अपने फ्रेंड से बात कीजिए जो आपने अपना कोई ड्रीम देखा यू कैन डिस्कस आप ऐसे डिस्कस कर सकते हो डिड इट एवर कम ट्रू जो आपने सपना देखा क्या कभी वो सच हुआ हु डिड यू सी इन योर ड्रीम आपने अपने सपने में किसको देखा व्हाट डू यू थिंक यू हैड द ड्रीम मतलब तुम्हें ये सपना आया क्या सोचते हो उसके बारे में कि क्यों आया वो सपना ये आप डिस्कस कर सकते हो अपने पार्टनर से कभी कभी हम करते भी हैं चलो चैप्टर रीड करते हैं लॉन्ग अगो इन अ प्लेस इन नॉर्फॉक लिव्ड अ पुअर पैडलर नेम्ड जॉन चैपमैन लॉन्ग अगो यानी बहुत समय पहले इन अ विलेज एक गांव में इन नॉर्फॉक गांव का नाम क्या था एक किसी नॉर्फॉक जगह थी उसका कोई गांव था ठीक है गांव का नाम नहीं बताया नॉर्फॉक बताया है लिव्ड अ पुअर पैडलर एक गरीब पैडलर रहता था नेम जॉन चैपमैन उसका नेम जॉन चैपमैन था वन नाइट एक रात को जॉन ड्रीम्ड दैट जॉन को सपना आया कि क्या सपना आया ही वुड हियर वेरी जॉयफुल न्यूज़ कि वह एक जॉयफुल न्यूज़ यानी अच्छी खबर सुनेगा ही वुड हियर सुनेगा इफ ही वेंट टू स्टैंड ऑन लंदन ब्रिज इफ यदि ही वेंट वह गया टू स्टैंड यानी खड़े होने के लिए ऑन लंदन ब्रिज यदि वह लंदन ब्रिज पर खड़ा हुआ तो उसे एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी ऐसा उसको सपना आया एक रात ओके इसको सपना आया था जॉन चैपमैन को नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जॉन रिमेम्बर्ड हिज ड्रीम जॉन को जो अपना सपना था वो याद रहा बट ही थॉट लेकिन उसने सोचा द ड्रीम कैन नॉट पॉसिबली कम ट्रू यानी जो सपना है उसका वो संभवतः पूरा नहीं हो सकता सच नहीं हो सकता कम ट्रू यानी सच होना तो सच नहीं हो सकता समझ आया फर्स्ट पैराग्राफ एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ बच्चों लॉन्ग अगो इन अ विलेज बहुत लंबे समय पहले एक गांव में इन नॉर्फॉक के गांव में लिव्ड अ पुअर पैडलर एक गरीब फेरी वाला रहता था नेम जॉन चैपमैन जिसका नाम नेम जो नेम था वो जॉन चैपमैन था एक रात उसे एक सपना आया क्या सपना आया कि वह एक अच्छी खबर सुनेगा यदि वह लंदन ब्रिज पर जाकर खड़ा होता है तो अगली सुबह वह सपना उसे याद रहा लेकिन उसने सोचा कि ये सपना पॉसिबली यानी संभवतः सच नहीं हो सकता दैट नाइट उसी रात एंड द फॉलोइंग नाइट और उसकी अगली रात जॉन हैड द सेम ड्रीम अगेन उसे दोबारा से वह सपना आया एंड एट लास्ट ही डिसाइडेड टू गो टू लंदन ब्रिज एट लास्ट यानी अंत में ही डिसाइडेड यानी निश्चित किया टू गो लंदन ब्रिज उसने निश्चित किया लंदन ब्रिज पर जाना एंड सी और देखना व्हाट माइट हैपन कि क्या हो सकता था जॉन चैपमैन वॉक्ड ऑल द वे टू लंदन जॉन चैपमैन लंदन की तरफ चल दिया यानी लंदन का पूरा रास्ता उसने कंप्लीट कर लिया ही स्टूड ऑन
लंदन ब्रिज, वह लंदन ब्रिज पर खड़ा हो गया फॉर टू और थ्री डेज, लगभग तीन और सॉरी लगभग दो और तीन दिन तक, ठीक है, दो तीन दिन तक वह वहाँ पर खड़ा रहा। लुकिंग अराउंड, इधर उधर देखता हुआ, लुकिंग अराउंड यानी चारों तरफ देखता हुआ, एंड वेटिंग टू हियर सम गुड न्यूज़, और इंतजार कर रहा था टू हियर सुनने की सम गुड न्यूज़, कोई भी अच्छी खबर सुनने का वह इंतजार कर रहा था। अ शॉपकीपर नोटिस्ड हिम, एक शॉपकीपर उसका उसको नोटिस कर रहा था, एक शॉपकीपर जो था वो उसको नोटिस कर रहा था, ये नोटिस किया उसको, स्टैंडिंग देयर वहाँ पर खड़े हुए, डे आफ्टर डे एक दिन के बाद दूसरे दिन, यानी एक दिन दो दिन उसने उसे नोटिस किया वहाँ पर, ठीक है। ही वेंट ओवर टू टॉक टू जॉन, वह जॉन से बात करने गया, ठीक है। आई सी दैट यू आर नॉट बैगिंग और सेलिंग एनीथिंग, मैं देखता हूँ कि तुम कुछ भी ना तो भीख मांग रहे हो, बैगिंग भी होता है भीख मांगना, ठीक है, एंड सेलिंग ना तुम कुछ बेच रहे हो। दैट शॉपकीपर सेड, शॉपकीपर ने कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाई आर यू हियर, तुम यहाँ पर क्यों हो। आई ड्रीम्ड दैट आई वुड हियर जॉयफुल न्यूज ऑन लंदन ब्रिज, मुझे ऐसा सपना आया है कि यदि मैं लंदन ब्रिज पर जाऊंगा तो मैं एक अच्छी न्यूज सुनूंगा, जॉन सेड ऑनेस्टली, जॉन ने ईमानदारी से कहा। द शॉपकीपर लाफ्ड, शॉपकीपर हंसने लगा, व्हाट अ फूल यू आर, कितने मूर्ख हो तुम, आई कांट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता, यू ट्रेवल्ड हियर, तुम यहाँ इतनी दूर यात्रा करके आए हो, वेस्टेड दीज डेज स्टैंडिंग अराउंड, और ये दिन यहाँ पर खड़े होके खराब कर रहे हो, ऑल बिकॉज ऑफ अ ड्रीम, केवल और केवल एक सपने के लिए, आई वुड नेवर डू सच अ थिंग, मैं कभी भी ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी काम नहीं करता। इनफैक्ट, वास्तव में, द शॉपकीपर कंटिन्यू, शॉपकीपर ने कहना जारी रखा, लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड दैट आई वॉज इन अ विलेज इन नॉरफॉक, लास्ट नाइट यानी पिछली रात मुझे भी एक सपना आया, क्या सपना आया, आई वॉज इन अ विलेज इन नॉरफॉक, मैं नॉरफॉक के एक गांव में था, अ प्लेस आई हैव नेवर बीन बिफोर, ऐसा ऐसी जगह जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, इन माई ड्रीम, मेरे सपने में, आई वेंट टू एन ऑर्चार्ड बिहाइंड अ पैडलर्स हाउस, मैं एक ऑर्चार्ड यानी फ्रूट गार्डन यानी फलों का बगीचा उसमें गया, बिहाइंड अ पैडलर्स हाउस, एक पैडलर था उसके घर के पीछे, एंड डग अंडर अ ह्यूज ओक ट्री, और एक बड़े ओक ट्री के नीचे खोदा, देयर आई फाउंड अ ग्रेट ट्रेजर, वहाँ मुझे एक बड़ा खजाना मिला, बट यू डोंट थिंक, बट डू यू थिंक, क्या तुम सोच सकते हो, आई एम फुलिश इनफ कि मैं मूर्ख हूँ, टू ट्रेवल टू दैट विलेज इन नॉरफॉक, कि मैं नॉरफॉक के उस गांव में यात्रा करके जाऊंगा या नॉरफॉक के इस गांव में जाऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ अ ड्रीम, केवल और केवल एक सपने के कारण। द शॉपकीपर लाफ अगेन, शॉपकीपर फिर से हंसने लगा, एंड फ्रॉम हियर वी विल डू इन आर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।